ये तीन लॉस पढ़े, न्यूटन के तीन लॉस पढ़े हमने ये, लेकिन एक्चुअली ये न्यूटन के तीन लॉस, तीन अलग अलग लॉस नहीं है, ये एक ही लॉ है, एक ही लॉ है, लेकिन उसे कहने के तीन तरीके हैं। और जो लॉ है एक्चुअली वो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ही एक्चुअल में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, लेकिन उसे एक तरीके से कह दिया तो पहला लॉ बन गया, दूसरे तरीके से कह दिया तो तीसरा लॉ और बन गया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज द फंडामेंटल लॉ, बेसिक लॉ, इसी में से पहला लॉ निकला है, इसी में से सेकंड थर्ड लॉ निकला है। ठीक है, हेडिंग डालते हैं हम, न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द बेसिक लॉ, इज द बेसिक लॉ विच कंटेन्स फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ इन इट, विच कंटेन्स फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ इन इट। ठीक है, और अब हम एक एक करके ये सारी बातें प्रूव कर देंगे, एक एक करके ये प्रूव करेंगे कि सेकंड लॉ ही एक्चुअल में लॉ है न्यूटन का। ठीक है, तो पहला हम प्रूव कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, करेक्ट। प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ किससे, फ्रॉम सेकंड लॉ। देखिए पहले सेकंड लॉ लिखते हैं, सेकंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑन द बॉडी, करेक्ट। अगर किसी बॉडी पर फोर्स है ही नहीं, अगर किसी बॉडी पर फोर्स ही नहीं है तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, जीरो, मोमेंटम में तो जीरो चेंज आएगा। और मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम होता है एमवी, मास कांस्टेंट है, मास तो नहीं बदलता कभी भी, मास कभी नहीं बदलता, मास आपने बाहर लिया, डीवी बाय डीटी इक्वल जीरो। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां दो क्वांटिटीज है, एक क्वांटिटी तो है मास और दूसरी क्वांटिटी है डीवी बाय डीटी, मास और दूसरी क्वांटिटी ये पूरी डीवी बाय डीटी, और इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। तो दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, दोनों में से कम एक तो जीरो हो, कम से कम एक जीरो हो तभी तो हो सकता है दोनों का प्रोडक्ट जीरो। दो फिगर्स को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, तो दोनों से कम एक तो जीरो होगा ही होगा, दोनों जीरो हो जाए तो भी जीरो आएगा। लेकिन जरा देखें ध्यान से, क्या किसी बॉडी का मास जीरो हो सकता है, चींटी का पैर का भी मास जीरो नहीं होगा, तो एम कैन नॉट बी जीरो, तो फिर जीरो होने की पॉसिबिलिटी किसके साथ बची, डीवी बाय डीटी के साथ ही बची पॉसिबिलिटी जीरो होने की। बता सकते हैं कि किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो हुआ करता है, कांस्टेंट का होता है। तो इससे यह पता लगा कि वेलोसिटी वेक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मीनिंग क्या हुआ, ये एक बॉडी है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब ना घट रही ना बढ़ रही, मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं। तो फिर अगर ये चल रही है तो जिस लाइन पर चल रही है बिना डायरेक्शन बदले बिना मैग्नीट्यूड बदले उसी लाइन पर चलती रहेगी, अगर इसकी वेलोसिटी जीरो है रुकी हुई है तो कोई चेंज नहीं होना, रेस्ट पर ही रहेगी। कब तक चेंज नहीं होना, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो है। और यही तो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहा था,
कि एक रुकी हुई बॉडी रुकी रहेगी, चलती हुई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर सेम मैग्नीट्यूड में चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स ना लगे। यही बात तो सेकंड लॉ से भी निकल कर आई है, यही बात सेकंड लॉ से निकल कर आई है कि नेट फोर्स की एब्सेंस में, फोर्स के बिना, फोर्स जीरो होने पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, फोर्स की एब्सेंस में, फोर्स की गैर मौजूदगी में, अगर फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। मतलब रुकी हुई बॉडी रुकी रहेगी, चलती बॉडी सेम लाइन पर चलती रहेगी, सेम मैग्नीट्यूड पर। दिस इज फर्स्ट लॉ कीजिए इसे।